गुड मॉर्निंग पीपल, सीपी इज हियर। और हाँ, काफ़ी टाइम से और काफ़ी सालों से एक कहते हैं कि मेरा जो सपना था वो आज उसकी शुरुआत होने वाली है, लेह लद्दाख की। यस, मैं लेह लद्दाख के लिए आज मैं निकल रहा हूँ विद माय थ्री ऑफ फ्रेंड्स जो कि मेरा वेट कर रहे हैं अभी चीटी करनाल रोड पे। तैयारी सारी हो चुकी है, मैं आपको सारे दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। बाइक भी दिखाऊंगा कि बाइक के ऊपर मैंने क्या क्या सैडल बैग्स लगाए हैं, क्या क्या एक्सेसरीज लेके जा रहा हूँ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी तो डेफिनेट लगेगी, क्योंकि मैं आपको पूरी सीरीज दिखाने वाला हूँ लेह लद्दाख की। और मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, क्या स्टे रहेगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो अगर चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। बाकी अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, तो वो आपको दिखाता हूँ। बाकी सारी बातें ना हम करेंगे बाइक पर ही, और दोस्तों से भी मिलेंगे, उनसे मिलवाऊंगा भी कि कौन कौन साथ में जा रहा है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लेह लद्दाख 2024। तो आज है 1 जून और हम निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको आगे। आइए तो गाइस, फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं टॉप बॉक्स की। टॉप बॉक्स मैंने ले लिया है, इसके अंदर काफ़ी सामान आ चुका मेरा। टेल बैग है, रेन कवर भी उसका है, सैडल बैग्स भी आपको दिखाता हूँ। बाकी अपना हेलमेट है, ठीक है, जैकेट वगैरह मैंने सब कुछ पहन रखी है, टाइम बैग लेके जा रहा हूँ, ग्लव्स वगैरह है। सैडल बैग्स आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरे बाइक के ऊपर कैसे लगते हैं, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये अपनी बाइक विद दी ऑल दी लगेज, आप देख सकते हैं टॉप बॉक्स है, टेल बैग है, सैडल बैग्स है। आई होप अच्छी लग रही होगी और मैं इसको संभाल पाऊँगा। बाकी लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं, बाकी सारी बातें करेंगे बाइक पे, ठीक है। हर हर महादेव, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, बाय। वाहेगुरु जी मेहर करना और अच्छी राइड करना और संभाल के रखना वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए एक बाइकर, एक बाइकर बनता है लेह लद्दाख के लिए। और वो फाइनली वो दिन आ चुका है, लेट हो गए काफ़ी, 1 घंटा लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में। निकल गए इस टाइम पे, सुबह के 4 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और पसीने आ रहे ज़बरदस्त अंदर। जैकेट में ऐसे लग रहा नदी बह रही है मेरी स्वेटिंग से। तो गाइस, बड़ी मिक्स फीलिंग आ रही है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे ट्रिप्स किए हैं ऑन बाइक और काफ़ी दूर तक भी गए और सोलो राइड भी की है, लेकिन उसके बाद भी दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम जिसके अंदर मुझे एक एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी नर्वसनेस भी है। आई डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। आई गेस जो भी पहली बार लद्दाख जा रहा होगा तो शायद उसके साथ उसको भी ये फीलिंग आती होगी। सो मुझे भी वही फीलिंग आ रही है, सो आई होप फिंगर क्रॉस। मैंने इतना लगेज लगाने के बाद ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी आ नहीं रहा है, सो थोड़ा सा यूज टू हो जाएगी बॉडी भी और थोड़ा सा आदत हो जाएगी इतनी लगेज के साथ राइड करने की। और टॉप बॉक्स यार, मैं मेरे साथ एक हॉरिबल इंसिडेंट हो चुका है कि मेरा टॉप बॉक्स गिर चुका है खुल के, तो मुझे ना उसी की टेंशन बार बार हो जा रही है कि वो खुल ना जाए, खुल ना जाए, खुल ना जाए। तो इस करके मैं थोड़ा सा संभल के चला रहा हूँ। नहीं नहीं, अपने बंदे नहीं हैं, अपने बंदे नहीं हैं गाइस। थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आई गाइस मैंने उनको मिस कर दिया पीछे। ए ये रे 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 रे, भाई मुझे लगा नहीं भाई कि तुम लोग खड़े हो, सही बताऊं तो। हाँ भाई, तो भाई हम निकल चुके हैं बाईपास से और कुछ एडजस्टमेंट्स करने वाली थी, तो हम चारों ने वो एडजस्टमेंट्स कर लिए। वेट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था बाइक के ऊपर, सॉरी इनफैक्ट मेरी बाइक भी अभी गिर गई। तो मैंने भी अपने टूल बॉक्स बीच में रखा है अपने टॉप बॉक्स के अंदर, तो उसके बाद मैंने उसको वेट मैनेजमेंट ठीक किया है। तो अब थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि थोड़े यूज टू हो जाए लगेज के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ जहाँ रुकेंगे तो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट। पानीपत का टोल हमने क्रॉस कर लिया है और अभी टाइम देखना पड़ेगा, टाइम हो रहा है 5:22 और हमने मतलब मैं घर से निकला था करीबन 3:15 के आसपास निकला था, लेकिन इट्स अ गुड राइडिंग, काफ़ी अच्छा हम कवर अप कर रहे हैं। सो अभी थोड़ा वार्तालाप करते हैं। तो फिलहाल गाइस अभी हमें पानीपत के टोल पे और क्रॉस कर चुके हैं और सनराइज़ भी हो चुका है, देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है। सो ऑब्वियसली यार, सनराइज़ की खूबसूरती तो अलग ही होती है। बाकी सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जब भी हम रुकेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सो ठीक है, अपनी बाइक भी तैयार है जैसे देख सकते हो। चलो, और हमारे साथ है हमारे
जॉन लेनन भाई भी। कितना खूबसूरत लग रहा है यार। चलो यार चलते। सो गाइस हमारा पहला ब्रेक 12 से कुछ 55 किलोमीटर पहले है, तो वही ले रहे हैं। मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है, तो थोड़े यहाँ पे रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं और तरोताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि जर्नी अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुई है। और ढाबे या रेस्टोरेंट का नाम है डिवाइन स्टार, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इधर ही लगा लेते हैं ताकि बाइक्स भी अपनी आँखों के सामने रहे। हमारा पहला ऑफिशियल ब्रेक लद्दाख 2024। पराठे मंगा लिए गए हैं। मैं तो गोभी प्याज नहीं, हाँ गोभी प्याज वाला है। पनीर पनीर आलू प्याज ये गोभी वाला भाई अपना। चल भाई इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। सर गाइस पहला ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पे हो चुका है, विच इज़ डिवाइन स्टार। और आप गेयर्स पहने जा रहे हैं, ये सिमरन की बाइक है, इट्स माइन हिमालयन। और ये हमारी बैटमैन भाई। ठीक है ब्रो आप निकलते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे। सो गाइस हम अंबाला कैंट पहुंच चुके हैं, और चंडीगढ़ और अमृतसर के लिए, मतलब जलंधर लुधियाना के लिए हमें सीधा ही जाना है। राइट लेंगे पठानकोट के लिए, बिकॉज हमारा पहला होल्ट होने वाला है आज का पठानकोट। सो गाइस तो अपना आ गया फेमस अंबाला का गेट, तो यहाँ से ऑफिशियली हरियाणा ख़त्म होता है और पंजाब स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें चंडीगढ़ की तरफ नहीं जाना है, हमें राइट ही जाना है लुधियाना की तरफ सामने। तो ये सिमरन कहाँ जा रही है, लेफ्ट की जा रही है। तो गाइस नया एक अपडेट ये है कि शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से हमें वाया चंडीगढ़ ही आना पड़ रहा है, और वहाँ से हम निकलेंगे लुधियाना के लिए। तो राजपुरा हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि शंभू बॉर्डर क्लोज है। तो अभी फ़िलहाल हम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से फिर हम लुधियाना की तरफ निकल जाएंगे। तो दिस इज़ अपडेट। तो अगर कोई भी इस तरफ आ रहा है तो इस चीज़ को जानकारी में रखें कि शंभू बॉर्डर बंद है। आज पंजाब में इलेक्शन है, और पंजाब के साथ में चंडीगढ़ और प्लस हिमाचल के अंदर भी लास्ट इलेक्शन है। तो देख सकते हैं लोग वोट करने आए हैं, तो आप लोग भी वोट कीजिए अगर नहीं किया था तो आपने। वैसे तो ये व्लॉग लेट आएगा, लेकिन हाँ करना बहुत ज़रूरी है, अपने नेता को चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके काम आएगा, और अच्छा नेता ही आपके काम आएगा। तो फिलहाल अभी हम किसी पिंड के अंदर से जा रहे हैं लुधियाना के लिए, क्योंकि भाई साहब मिट्टी जबरदस्त मिट्टी। भाई साहब क्या मिट्टी है जबरदस्त भाई, रास्ता सड़क ही नहीं भाई यहाँ तो। फक मैन ये हाल है पंजाब के। भाई साहब आराम से आराम से आराम से आराम से। तो गाइस हमारे किसान भाई अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कि कितनी तादाद के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और कितने दिनों से क्या कितने महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। देखो सरकार चेंज होती है तो देखते हैं इनका इनके बारे सोचती है कि नहीं सोचती है, बाकी तो खुदा ही जाने। बाकी हम आ चुके हैं हाईवे पर आ चुके हैं। आप देखो लुधियाना यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, खन्ना 57 है, जलंधर 158 है। तो हमें जलंधर तक ही पहुंचना है, वहाँ से राइट मारना, फिर हम पठानकोट की तरफ। तो आप चलते हैं। बंद हो गया। हाँ जी हाँ जी लखनपुर क्रॉस कर दी, बंद हो जाता है। हाँ रोटी से टब्बे जी। किन्ने दिन टूर है फिर वीर जी? है करीबन 13 दिन का। गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो हम पेट्रोल पंप पे अभी रुके थे, फ्यूलिंग भी हमने दो बाइक्स के अंदर कराई है, और PSI भी चेक कराया। मेरी बाइक का PSI ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स नीचे जा चुका था दोनों टायर्स के अंदर, तो टायर इन्फ्लेटर था हमारे पास तो हमने करवा लिया। अब चलते हैं यार, अभी भी 150 किलोमीटर है पठानकोट यहाँ से, और गर्मी अत्ता है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, लेकिन चलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं।
तो चलो चलते हैं फिर। पहुंच चुके हैं खन्ना और मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सोना गुरुद्वारा साहिब है। और अनलकीली हम नहीं रुक सकते लेकिन मैं दर्शन करवा देता हूँ आपको यहाँ से सतनाम श्री वाहेगुरु जी। बस हमारी राइड को अच्छा बनाना और मज़ा आए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बस यार धूप बहुत ज़्यादा है और ठीक है यूज्ड टू हो गए हैं वैसे, लेकिन तब भी मुश्किल हो रही है। हम लुधियाना तो पहुँच चुके हैं और जलंधर अभी यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर है और भैया हीट पूरी सर पे लग रही है और पूरी बॉडी में लग रही है और फ़ोन भी ओवर हीट हो रहे हैं हमारे। तो भैया आप लेमन सोडा पियेंगे, ठंड पूरी। तो भाई 4 ग्लास बनाएंगे वो पीते फिर आगे निकलेंगे। हवा लग रही है और हवा की वजह से थोड़ा सा सहारा है, अगर हम खड़े हो रहे हैं ना तो इतना डिहाइड्रेटेड फील होगा। एग्जैक्टली, चलो यार पीते। लेमन ही पिएगा ना भाई, ये पिएगा, बना देना भैया इसके लिए भी बना। गोल्ड तो नहीं पिएगा बना दो एक इसके लिए, मतलब बाकी 4 बना देना भैया। भाई साहब 1 घंटे सफ़र हो चुका है, लुधियाना भी क्रॉस कर दिया, कोई ढंग का एक होटल या ढाबा नहीं मिल पा रहा जो एसी वाला हो, जहाँ पे बैठ के 2 प्यारी प्यारी सी रोटी खा सके। पता नहीं भाई साहब सूखा पड़ा हुआ, और ऊपर से आज इलेक्शन भी है पंजाब के अंदर, भाई साहब कुछ नहीं मिल रहा। और तो गाइस फगवाड़ा पहुँच चुके हैं और बैंड बज चुकी है गर्मी की वजह से, ना खाने का कुछ हो रहा है ना पीने का कुछ हो रहा है, क्योंकि आज है इलेक्शन हिमाचल पंजाब में और चंडीगढ़ में भी आएंगे, तो उसकी वजह से सब कुछ बंद है। कोई रेस्टोरेंट नहीं, बड़ी मुश्किल से एक फगवाड़ा में एक रेस्टोरेंट मिला है, तो हमने कुछ ऑर्डर किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या ऑर्डर किया है। अब रोटी खाने का तो बिल्कुल मन था नहीं, तो चावल के सहारे ही ज़िंदगी जी जाएगी, तो वही खाएँगे और आगे चलेंगे। जो कि यहाँ से अभी है 145 किलोमीटर, अप्रॉक्स 3.5-4 घंटे लग जाएंगे हमें वहाँ पहुँचने तक, तो कोई नहीं फूड इंजॉय करते हैं और निकलते हैं। वैसे तो मैं किसी की प्रमोशन करता नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरे पास अभी कोई स्पॉन्सरशिप मुझे मिली नहीं है, लेकिन हाँ अभी मैं फगवाड़ा में था और ये एक रेस्टोरेंट है अपना पंजाबी ढाबा। आई मस्ट से अगर आप कभी भी जलंधर या लुधियाना या अमृतसर की तरफ जाओगे तो इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर आओ, फूड इस डिलीशियस। हमने जितनी भी आइटम्स हमने ऑर्डर की थी, या वो लस्सी हो या पुलाव हो रायता हो कर्ड हो, एवरीथिंग इज़ सुपर, बहुत टेस्टी था, तो रिकमेंडेड है। नाम आपको दिख रहा होगा अपना पंजाबी ढाबा, तो आप ज़रूर रहिएगा। बाकी फिर बाइक अपनी रेडी कर हो चुकी है तो फिर हम निकलते हैं पठानकोट के लिए। लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा खाना था। बाकी अब निकलते हैं पठानकोट के लिए, चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर एट जलंधर और जलंधर से हम राइट ले रहे हैं पठानकोट के लिए। सो बीच में आएगा मुकेरिया, आप मुकेरिया से गुरदासपुर भी जा सकते हैं, और हमें वैसे नहीं जाना है, हमें जाना है पठानकोट, तो यहाँ से हम राइट लेंगे और राइट ही रहेंगे। तो ये रास्ता सीधा आपका जाता है जम्मू, और इसको कहते हैं जम्मू हाईवे भी कहते हैं, जम्मू पठानकोट हाईवे भी कहते हैं, या जलंधर जम्मू हाईवे भी कहते हैं। वैसे मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पंजाब में जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन लोग वहाँ पे इस तरह का मिशन चला रहे हैं और भोले भाले पंजाबी लोगों को फंसा रहे हैं, सिखों को फंसा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये लेडी किस तरह से अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमें पेमेंट बांट रहे हैं। तो देखिए पूरी वीडियो, ठीक है जी। आपको तो ज़्यादा ले जाने चाहिए, वहाँ तो बहुत लोग हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। रख लिया मैंने। अच्छा एक मिनट मेरे साथ एक फोटो तो करवाइए आप। गाइस ये अपना रास्ता गुरदासपुर के लिए लेफ्ट साइड से जाएगा और सीधा ही हमें निकलना है पठानकोट के लिए, और गुरदासपुर इज़ माई नेटिव प्लेस, नान के जिसको कहते हैं,
सो इस बार ही नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। अभी फ़िलहाल पठानकोट चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं पठानकोट के अंदर, और आज का स्टे हमारा पठानकोट में ही है, और सिमर ने ही हमारी होटल की बुकिंग की, तो बस होटल की तरफ ही जा रहे हैं। सो बस सो टायर्ड यार, इतनी गर्मी के बाद मतलब समझ में नहीं आ रहा, शरीर में पानी बचा ही नहीं आ रहा है। चलो अब बाकी बातें तो फिर होटल पहुँच के करेंगे, और आपको रूम भी दिखाएंगे और टैरिफ भी बताएंगे ये कि हमें कितना पे किया। तो गाइस हमारा होटल आ चुका है, पठानकोट में हैं अभी हम, होटल यूनाइट, और बस बाइक पार्क करेंगे और आप जाएंगे रूम के अंदर। बहुत थक गया भाई, अब चलते हैं, ऊपर जाके बात करेंगे सारे। चलो